नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे मिताली एक्सप्रेस के बारे में। यह एक्सप्रेस ट्रेन जो है बिहार से सीधा बांग्लादेश के लिए सफर करने वाली है। भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत हो गई है। इस ट्रेन का नाम मिताली एक्सप्रेस है। इस ट्रेन की शुरुआत उत्तर बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी से शुरू हो गई है। यह ट्रेन ढाकरा छावनी रेल स्टेशन से होकर न्यू जलपाईगुड़ी तक जाएगी। बताया जा रहा है कि इस ट्रेन के दौरान 511 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, जिसमें 9 घंटे का समय लगेगा। इस ट्रेन की शुरुआत के साथ साथ यह कहा जा रहा है कि इससे दोनों देशों के बीच में पर्यटन को बढ़ावा मिलने वाला है। भारत और बांग्लादेश के बीच में यात्रियों को ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। पर्यटन आसानी से एक दूसरे देश के बीच में आ जा सकेंगे। इस ट्रेन की शुरुआत से भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और बांग्लादेश के उनके समकक्ष मोहम्मद नरुल सुजान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मिताली एक्सप्रेस की हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि यह ट्रेन हल्दीबाड़ी चिलाहट्टी रेल रिंग के होकर गुजरेगी। साथ ही साथ यह ट्रेन भारत के दार्जिलिंग की मनमोहक वादियों के बीच से होकर गुजरने वाली है। यह ट्रेन ढाका छावनी रेलवे स्टेशन तक पहुंचेगी। मिताली एक्सप्रेस की शुरुआत को लेकर यह बताया जा रहा है कि यह बांग्लादेश और बिहार के लिए कई मामलों में अहम है। दोनों देशों के पर्यटन को लेकर काफ़ी अच्छी पहल की जा रही है। भारत और बांग्लादेश के बीच में 1 जून से मिताली एक्सप्रेस की शुरुआत कर दी गई है। बताया गया है कि ट्रेन सप्ताह में 2 दिन तक चलेगी। बता दें कि यह ट्रेन रविवार को और बुधवार को न्यू जलपाईगुड़ी से खुलकर ढाका छावनी तक जाएगी। बता दें कि मिताली एक्सप्रेस का ट्रेन नंबर है 13131। यह ट्रेन सोमवार और गुरुवार को ढाका छावनी रेलवे स्टेशन से शुरू होकर न्यू जलपाईगुड़ी तक सफ़र करेगी। बता दें कि मिताली एक्सप्रेस उत्तर बंगाल की न्यू जलपाईगुड़ी से सप्ताह में 2 दिन रविवार और बुधवार को सुबह 11:45 पर खुलेगी और उसी दिन रात में 10:30 पर बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंचेगी। वहीं अगर हम इस ट्रेन के किराए की बात कर लें तो एसी केबिन में सफ़र करने के लिए आपको 4905 रुपये देने होंगे, तो वहीं एसी केबिन के चेयर यान में सफ़र करते हैं तो आपको 3805 रुपये का किराया देना होगा। एसी चेयर कार के लिए 2707 रुपये का किराया निर्धारित किया गया है। यह भी बताया गया है कि मिताली एक्सप्रेस ट्रेन जब भारत से तरफ से खुलेगी तब हल्दीबाड़ी रेलवे स्टेशन पर 10 मिनट के लिए रुकेगी। उसके बाद बांग्लादेश की सीमा पर चिलाहट्टी रेलवे स्टेशन पर 10 मिनट के लिए रुकेगी। बता दें कि इस दौरान दोनों ओर से ड्राइवर का बदलाव किया जाएगा। इस ट्रेन को लेकर बोलते हुए नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के कटिहार डिवीजन के DRM शुभेंदु कुमार चौधरी ने बताया कि 15 से 20 यात्रियों ने इस ट्रेन की पहली यात्रा के लिए टिकटों की बुकिंग कराई है। उन्होंने यह भी कहा कि इस ट्रेन में काफ़ी सुविधा मुहैया कराई गई है। इससे पहले भी दोनों देशों के बीच में ट्रेन सेवा बहाल की गई है, जिसमें कोलकाता और ढाका के बीच में मैत्री एक्सप्रेस जबकि कोलकाता और खुलना के बीच में बंधन एक्सप्रेस दोनों देशों के हजारों लोगों को सफर का मुहैया जो है इससे पहले भी कराती रही है। एक तरह से कह लें कि रेलवे को लेकर जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में जो संबंध रहे हैं वो पुराने हैं। ऐसे में मिताली एक्सप्रेस के शुरू होने के बाद से कहा जा रहा है कि राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक के साथ पर्यटन में भी जो है विकास देखने को मिलेगा। बिहार और बिहार से जुड़ी भी और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।